हेलो। आज हम जानेंगे कि डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं। कई बार ये क्या होता है कि लेबोरेटरी में हमारा जो एनालाइजर होता है उसमें टेस्ट के रिजल्ट नो रिजल्ट में देने लगते हैं। इस केस में क्या करना होता है, हमें डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। ज़्यादातर ये एंजाइम्स वाले टेस्ट में होते हैं, जैसे कि SGOT हो गया, SGPT हो गया, ग्लूकोज हो गया, और भी अदर जितने भी सारे सैंपल होते हैं उन सब पैरामीटर्स के साथ ये नो रिजल्ट होता है। उस केस में हमें डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। पहले हम दिखाते हैं कि मशीन में इसके रिजल्ट कैसे शो करता है। अब ये देखिए, AST का नो रिजल्ट दे रहा है। AST को SGOT बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें के लिए हमें डाइल्यूशन बनाना पड़ता है, तभी आपके रिजल्ट आएगी और आप रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। उसका पहले थ्योरेटिकल नॉलेज हम देखते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो थ्योरेटिकली समझने के लिए हमने पहले से लिख लिया है। 1:10, 1:20, 1:30, 1:40। ये क्या है कि 1:10 रेशियो में क्या होगा कि आप एक पार्ट आप सैंपल लेंगे, 9 पार्ट आप सीरम लेंगे, सॉरी आप नॉर्मल सलाइन लेंगे या रिजेंट लेंगे। 1:20 में क्या होगा, एक पार्ट आप सैंपल लेंगे और 19 पार्ट आप नॉर्मल सलाइन या जो भी लेंगे। ऐसे ही ये चलता आएगा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं 1:10 का। 1:10 में क्या होगा, आपका वर्ड एक पार्ट सीरम हो गया, 9 पार्ट आपका रिजेंट, NS हो गया और डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है। सपोज आपने सीरम लिया 50 माइक्रोलीटर, ठीक है, आपका AST हाई नो रिजल्ट आ रहा है। आपने AST लगाने के लिए आपने सीरम ले लिया पेशेंट का 50 माइक्रोलीटर एंड उसमें 450 माइक्रोलीटर आपने नॉर्मल सलाइन ले लिया, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मशीन में उसको लगाने के बाद रिजल्ट आया सपोज आपका 219 माइक्रोलीटर। अब आप इसको फाइनल रिजल्ट क्या दोगे, 219। अब हमने 1:10 का रेशियो लिया था तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 219 × 10। आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमारे पास एक सैंपल है जिसका वैल्यू नो रिजल्ट में आ रहा था, उसके लिए ये हमारे पास हो गया नॉर्मल सलाइन, ये हमारे पास हो गया कप जिसमें हम डाइल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ये पीपेट 450 माइक्रोलीटर पर सेट कर दिया क्योंकि हम 1:10 का रेशियो वाला हम डाइल्यूशन बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया 50 माइक्रोलीटर का, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे 450 माइक्रोलीटर क्या नॉर्मल सलाइन, ठीक है। उसके बाद 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेंगे। जब भी आप पेशेंट का सैंपल लें ये जरूर ध्यान रखें कि आप ग्लव्स हमेशा पहने, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 50 माइक्रोलीटर, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद आपका डाइल्यूशन तैयार है और अब आप इसे मशीन में रन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन आपने देख ही लिया है, जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड देन आपका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू।